आप सभी लोगों से एक सादर अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा मोटिवेटेड मूड में रहें, हमसे लोग पूछते हैं आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, रहना ही पड़ता है सर, कुएं में पानी होगा तभी तो निकालकर दूसरे को दोगे, कब तक किताब पढ़कर मोटिवेटेड रहोगे? और उसके लिए जीवन का जो आधारभूत सिद्धांत है वो सही होना चाहिए, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। बड़े सारे मित्र मुझे मैसेज करते हैं, हम 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही, उत्साह नहीं आ रहा है। सर आप बड़ी बेसिक गलतियां करते होगे, कुछ बड़े बेसिक गलतियां करते होगे आप, बेसिक शायद आपको पकड़ में नहीं आती होगी लेकिन आप गलती बड़ी बेसिक करते होगे, आपको आपने शायद गौर नहीं किया होगा लेकिन आप गलती बहुत बेसिक करते होगे। तुम अगर अपने जिंदगी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, पहली बात तो मैंने हमेशा आपसे कहा कि आप सभी लोगों को खासकर युवाओं को एक डायरी अपने पास जरूर रखनी चाहिए, कंपलसरी है सर। डायरी मतलब आईना, बेसिक सिद्धांत, बेसिक गोल, वो सब उसमें नोट डाउन होना चाहिए और दिन में एक बार उस आईने को जरूर देखना चाहिए, हर दिन का हिसाब किताब होना चाहिए। लोग चिल्ला चिल्ला के मर जाते हैं, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, पर बहुत लोगों को यह तो एहसास ही नहीं होता कि टाइम इज मनी। जिसको जिस दिन यह एहसास अंदर से हो जाए टाइम की कीमत पूछनी है तो उस आदमी से पूछो जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि बस 24 घंटे, 24 घंटे। ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जिनको डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने और, 6 महीने और, जब उन्हें पता चला उनके जीवन का पूरा भाव ही बदल गया, उनके जीने का पूरा ढंग ही बदल गया। जिंदगी में खासकर जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं चाहते। दिक्कत यहां पे है सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं चाहते। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना नहीं चाहते, बस यही परेशान है सर, बस यही परेशान है।